हेलो दोस्तों, हम सब में एक क्वेश्चन आता है जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ मैं बात करूँगा कि हमारे पास तीन वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और सिंटैक्सिन 4-5। हम देखेंगे कि इन तीनों में बेस्ट वैक्सीन कौन सी है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताऊँगा जो है एफिकेसी। एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी होती है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अ वैक्सीन टूवर्ड अ वायरस, कोई भी वायरस है उसके खिलाफ़ एक वैक्सीन कितना लड़ सकती है। इसको और अच्छे से समझेंगे। सपोज़ कीजिए कोई भी वैक्सीन हो, 100 परसेंट्स को दी गई, उसमें से 70% जो है उन्होंने अपने शरीर में एंटीबॉडी बना ली। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक तरीके की मेडिसिन है जो हमारी बॉडी बनाती है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो हमने 100 बंदों को वैक्सीन दी, 100 में से 70 आदमियों ने क्या बनाई? मेडिसिन बनाई अपनी बॉडी में कि अब उनको कोरोना नहीं हो सकता। मगर जो 30 बंदे हैं वो जो है वो एंटीबॉडी नहीं बना पाए। तो जो 100 बंदों ने तो वैक्सीन ने कितने बंदों में काम किया? 70 बंदों में, 70% लोगों में। ठीक है, तो एफिकेसी क्या है? एफिकेसी का मतलब है कि वैक्सीन कितना काम करती है, उसको बोलते हैं एफिकेसी। एफिकेसी क्या है? वैक्सीन कितना काम करती है। तो यहाँ पे 70% काम किया वैक्सीन ने, तो एफिकेसी क्या हुई हमारी वैक्सीन की? 70%। अब बात आती है, अब तीन वैक्सीन हमारे पास हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुटनिक 5। तो स्पुटनिक 5, कोवैक्सीन और कोविशील्ड तीनों की एफिकेसी देखते हैं। तो कोविशील्ड की जो है एफिकेसी है 70%। जो इंडिया में अभी वैक्सीन दी जा रही है वो है कोविशील्ड। फिर उसके बाद कोवैक्सीन, कोवैक्सीन ये भी इंडिया में दी जा रही है, इसकी है 80%। और स्पुटनिक 5, इसकी सबसे ज़्यादा एफिकेसी है, दैट इज़ 91.6%। तो एफिकेसी क्या है? एफिकेसी है कि वैक्सीन कितना काम करती है। तो सबसे ज़्यादा काम किस में कर रही है? स्पुटनिक 5 वैक्सीन में 91 लोगों में जो है मेडिसिन बन रही है शरीर में कि वो जो है वो लड़ सकते हैं कोरोना वायरस से। उनको कोरोना वायरस से 91 बंदों को कुछ नहीं होगा, 100 बंदों में से 100 बंदों को वैक्सीन लगाते हैं। कोवैक्सीन में 80 बंदों को कुछ नहीं होगा और कोविशील्ड में 70 बंदों को कोरोना से कोई इफेक्ट नहीं होगा वैक्सीन लगने के बाद। मगर अगर आप तीनों वैक्सीन लगवाते हैं तो वो गलत है। कभी भी तीनों वैक्सीन नहीं लगवानी, तीनों में से एक ही वैक्सीन लगवानी है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। किसी का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बॉडी में। बस जब भी कोई वैक्सीन बॉडी को देंगे तो वो बॉडी एक रिस्पॉन्स दिखाती है। बॉडी काम करेगी तो काम करेगी, कोई भी बाहर की चीज़ जब बॉडी में आती है तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी उससे लड़ने के लिए अपने अंदर कुछ रिस्पॉन्स पैदा करेगी, जैसे कि फीवर ज़्यादा हो जाएगा शरीर में, बुखार आ जाएगा, ताकि बॉडी में गर्मी बनेगी। तो उससे क्या होगा, जो बाहर का जो इन्फेक्शन आया है उससे लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगी, उस जगह पे पहुंचेंगी जहाँ पे बाहर से वायरस आया है और उस वायरस के साथ लड़ेंगी। तो बॉडी में क्या होगा? फीवर। कोई भी चीज़ बाहर से देते हैं अगर, तो कोई भी वैक्सीन दी तो हमें फीवर सबसे पहले होगा। कोविशील्ड में बता रहे हैं कि ब्लड क्लोटिंग भी हो जाती है। 1 लाख बंदों में से एक बंदे को क्या हुई? ब्लड क्लोटिंग। और यूके में 20 मिलियन शॉट्स दिए गए, 20 मिलियन शॉट्स में से 19 लोग जो है मर गए ब्लड क्लोटिंग के कारण। बट ये जो है बहुत ही रेयर है और ये तभी होता है जब लोगों में और कोई बीमारी भी हो साथ में। सेकेंड कोवैक्सीन, कोवैक्सीन में भी क्या है? फीवर ही होता है। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। इट इज़ जस्ट कि बाहर से कोई वायरस अपने आपके शरीर में आया तो बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। तो इसमें भी क्या होगा, आपकी अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, ये कहाँ लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा आपकी मसल्स में। तो जब ये मसल्स में लगेगा, डेल्टॉइड मसल्स पे लगेगा, तो डेल्टॉइड मसल पे लगने के बाद इधर आपको पेन रहेगा कुछ दिन और सूजन भी हो सकती है। अगर ये सूजन लंबे टाइम के लिए होती है तो डॉक्टर ने बोला कोविशील्ड लगाने के बाद या कोवैक्सीन लगाने के बाद अगर सूजन लंबे समय के लिए रहती है, आपकी सूजन नहीं जा रही, तो या आपको एलर्जी हो गई लगवाने से, तो आपको सेकेंड डोज नहीं लगवाना किसी भी वैक्सीन का, अगर वो एलर्जी कर देती है तो। अगर फीवर आपको, ठीक है, फीवर हो जाता है आपको वैक्सीन लगवाने के बाद, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बॉडी रिस्पॉन्स है। और स्पुटनिक 5 जो है इसमें बता रहे हैं फीवर भी नहीं होता और इन्फ्लामेशन भी नहीं होती।
प्राइसेस और डोजेस की बात कर लें, कोविशील्ड का जो प्राइस है वो है 200 to 250, कोवैक्सीन 175 to 200, स्पुटनिक 5 700 to 750। तीनों के डोजेज़ हैं 2 डोजेज़, और ये 28 डेज़ के गैप पे सेकेंड डोज लेना है इसका। मगर इन सब का जो डेज़ है वो 28 डेज़ कोई फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। ज़्यादा दिन देखे जा रहे हैं कि अभी 28 डेज़ के अलावा वन मंथ 15 डेज़ भी कर दिया गया है कुछ में गैप, क्योंकि देखा गया है कि जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डेज़ के साथ बढ़ भी रही है। तो अभी स्टडी चल रही है, अभी अभी अच्छे से पता नहीं चला कि कितने डेज़ का गैप जो है ठीक है, मगर 28 डेज़ का गैप सफिशेंट है सेकेंड डोज के लिए, इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब वैक्सीन किसको नहीं लेनी चाहिए? स्पुटनिक 5 तो अभी इंडिया में आई नहीं, ये रशियन वैक्सीन है, तो ये तो आप ले नहीं सकते अभी, मगर ये कोई भी ले सकता है वैक्सीन अगर इंडिया में आती है तो, एनीवन कैन टेक। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है प्रेग्नेंट वूमेन नहीं ले सकती क्योंकि इन पर ट्रायल नहीं हुआ। एलर्जिक पर्सन नहीं ले सकते दोनों वैक्सीन। कोमोर्बिड पेशेंट नहीं ले सकते जिनको कोई ऐसी बीमारी हो जो जानलेवा हो या जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है। प्लीज़ डोंट टेक 2 वैक्सीन, 2 वैक्सीन कभी ना लेके। आपने कोविशील्ड भी ले ली, कोवैक्सीन भी ले ली, और सिंटेक्सिन 5 भी ले ली कि भाई ये बाहर से आई है तो ये अच्छी वैक्सीन है, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। स्पुटनिक 5, सॉरी, ऑल 3 वैक्सीन आर गुड, आवर गवर्नमेंट इज़ गिविंग कोविशील्ड, इट इज़ सेफ एंड नो और रेयर साइड इफेक्ट। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तीनों वैक्सीन अच्छे हैं, तीनों ले सकते हैं आप। टेक वैक्सीन एंड मेक इंडिया कोरोना फ्री, ऑल वैक्सीन आर इक्वली इफेक्टिव। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि वैक्सीन लेने से कोई मर गया तो वो अफवाह है, वो गलत है। और इनके जितने भी स्ट्रेन आ रहे हैं, जितने भी म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं, इन सब के ख़िलाफ़ ये वैक्सीन लड़ सकती है। अगर आपको इनका वर्किंग मैकेनिज्म भी जानना है कि जो वैक्सीन है वो कैसे काम कर रही है बॉडी में जाने के बाद, और कैसे हमारे बॉडी में मेडिसिन बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है जो उनसे लड़ने में मदद करती है, तो मैं एक वीडियो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देखें। थैंक यू।